Good morning students. So today we are going to study about the temperature. Then what is temperature? ठीक है, आज हम temperature के बारे में पढ़ेंगे. तो temperature is defined as the degree of hotness and coldness of any body. मतलब कोई चीज कितनी एक्सटेंट तक गर्म है या कितनी एक्सटेंट तक ठंडी है, उस चीज को नापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर. ओके, तो हम टेम्परेचर में देखते हैं कि हाउ कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा गर्म या कितना ज्यादा कोई चीज ठंडी है. ओके, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वी यूज thermometers. Okay, thermometers are used for measuring temperature. Okay, now बेटे temperature को short form. Now होता क्या है बेटा कि temperature के दो units होते हैं, हम दो scale पे temperature को नापते हैं. या तो हम नापेंगे degree Celsius पे या नापेंगे degree Fahrenheit पे. डिग्री सेल्सियस में बेटा जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसमें हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आपका वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, ये आपके दो स्केल्स होते हैं जिसमें हम जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेजर करते हैं. ओके, थर्मोमीटर इन लैबोरेटरीज आर मेड अप ऑफ जो लैबोरेटरीज में थर्मोमीटर्स यूज करे जाते हैं ग्लास ट्यूब के बने होते हैं एंड उनमें मर्करी फिल्ड होता है. ओके, तो थर्मोमीटर्स में जो मेटल यूज होता है इट इज मर्करी. ठीक है, मर्करी इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म. ये लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, और ये इजीली किसी भी चीज को मतलब हीट को कंडक्ट करके और रेज होने लग जाता है. तो मर्करी जैसे ही रेज होता है तो हमें पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना कम है या कितना ज्यादा है. ओके, तो लेबोरेटरीज में जो मर्करी वो जो थर्मोमीटर्स यूज होते हैं वो ग्लास रॉड के बने होते हैं जिनमें मर्करी रहता है. ओके, दोनों साइड से सील्ड होते हैं, एक साइड पे पूरी तरीके से सील्ड होते हैं और जो एंड होता है उसका उस पर वहां पे वो बल्ब टाइप बल्ब एक बल्ब रहता है उसके फॉर्म में सील्ड होता है. लाइक आप ऐसे देखेंगे ना थर्मोमीटर, तो यहाँ पे थर्मोमीटर यहाँ पे सील्ड होता है और यहाँ पे इस तरीके से एक बल्ब होता है. ठीक है, इसमें बीच में यहाँ मर्करी भरी होती है और यही मर्करी रेज होती है तो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है बेटा, जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें जो रीडिंग होती है वो आपकी 35 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है बेटा जो आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है. ओके, और इसको माउथ में रखा जाता है और फिर उसकी रीडिंग काउंट की जाती है. तो ये हुआ. अब मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर पढ़ लेते हैं एक बार. तो थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब विद अ स्मॉल बल्ब एट इट्स एंड. तो उसमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से थर्मोमीटर होता है. यहाँ पे एक बल्ब प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये एक कैपिलरी ट्यूब होती है. ओके, नेक्स्ट देखो इसमें द बल्ब एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब आर फिल्ड विद लिक्विड एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड. अपर एंड जो होता है ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये पूरी तरीके से सील होता है और इसके बीच में फिल्ड रहता है एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं मर्करी. इसमें मर्करी फिल्ड रहता है. ओके, इसमें मर्करी फिल होता है सो दैट द लिक्विड डज नॉट, यहाँ पे सील होता है ताकि लिक्विड जो है बाहर ना निकल जाए.
different substances like mercury, alcohol, etc. uses thermometric liquids in different types of thermometers. The type of the substance used in thermometer depend on its specific property. तो अलग अलग चीजें यूज की जाती है, मर्करी यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि उससे किस टाइप का टेम्परेचर नापा जाएगा, उस टाइप का मटीरियल उस थर्मोमीटर में यूज किया जाता है. कल हम पढ़ेंगे अबाउट द चॉइस ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स, मतलब हमें मर्कर जो थर्मोमीटर है उसमें कौन सा लिक्विड चूज करना है वो हम कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.